तो क्या हाल चाल है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ASICS ब्रांड है काफ़ी अच्छे रनिंग शूज़ बनाता है, कंफर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और जब भी आप उसके रनिंग शूज़ पहन के रनिंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक और ASICS के रनिंग शूज़ को कवर करेंगे जो कि आपको 10,000 प्राइस से नीचे देखने को मिल जाता है, और ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी जाना जाता है, साथ ही साथ इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो अभी जिस प्राइस रेंज के अंदर ये देखने को मिल रहा है 8,000 के आसपास, तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर जिस रनिंग शूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ASICS का जेल क्यूमलस 25, दोस्तों ये जो रनिंग शूज़ है इसे यहाँ पर ASICS जेल निंबस 25 का छोटा भाई भी कहते हैं। परफॉर्मेंस वाइज, कंफर्टेबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है। अगर आप इसे पहन के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये रनिंग शूज़ कैसा है, क्या आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर इस रनिंग शूज़ के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं अक्सर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक्स एंड उसके प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता हूँ, तो अगर आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक रिव्यूज़ चाहिए, ऑथेंटिक यहाँ पे ओपिनियंस चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना भूलना मत, क्योंकि उससे जो वीडियो की रीच है वो ज़्यादा बढ़ती है, चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो कंटिन्यू। सबसे पहले बात करते हैं ASICS जेल क्यूमलस 25 के फीचर्स की। तो अगर हम इसके अपर की बात करते हैं तो इसके अपर में आपको इंजीनियर अपर मैश देखने को मिल जाता है। इसका जो इंजीनियर अपर मैश है काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी देता है, साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन मिलेगी। जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करेंगे, जब भी आप स्पीड से रनिंग करेंगे, तो आपको जो वेंटिलेशन है काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके अपर में आपको पैडिंग भी देखने को मिलती है, जिससे आपका जो टो है उसमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है, और आपको ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ साथ कंफर्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। वहीं बात करते हैं इसके अपर की ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके अपर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर रनिंग शूज़। और अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके इंसोल की, तो इसमें आपको सॉफ्ट फॉर्म इंसोल देखने को मिल जाता है। हालांकि इंसोल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल एवरेज क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी की बात आती है, जहाँ पे यहाँ पर आपको स्वेट मैनेजमेंट की बात आती है, तो पूरी तरह से काम करता है और आपके फिट को यहाँ पे काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देता है। जब भी आप रनिंग करते हैं या फिर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं मिडसोल की, तो इसका जो TRP है वो है इसकी जेल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ FF ब्लास्ट। जहां तक इसके स्टैक हाइट की बात है, तो इसका जो 4 फुट का स्टैक हाइट है वो अराउंड आपको 29.5 मिलीमीटर देखने को मिलता है। वहीं इसके हील के अराउंड आपको 37.5 मिलीमीटर देखने को मिलते हैं स्टैक हाइट। और जहां तक बात आती है इसके हील टू टो ड्रॉप की, अराउंड 8 मिलीमीटर इसके हील टू टो ड्रॉप है, जो कि इसे काफ़ी परफेक्ट बनाता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। साथ ही साथ अगर आप डेली यहाँ पर रनिंग करते हैं तो भी आपको एक परफेक्ट यहाँ पर रनिंग एक्सपीरियंस देता है। इसके स्टैक हाइट के साथ साथ अगर हम इसके FF ब्लास्ट मिडसोल की बात करें, तो काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी लाइट वेट है, और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंफर्ट देता है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं इसके जेल टेक्नोलॉजी की, जो कि हील के अराउंड आपको देखने को मिलती है, इनसाइड द हील, वो इसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन देती है, आपको एक काफ़ी अच्छा कुशनिंग यहाँ पे देती है, प्लस कुशनिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। जहाँ तक बात आती है इसके ओवरऑल कुशनिंग की और परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि एक काफ़ी कंफर्टेबल रनिंग शूज़ है। अगर आप यहाँ पे हैवी वेट हैं तो भी आप इसे पहन के रनिंग करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलने वाली है, जो भी शॉक होगा उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में रनिंग शूज़ पूरी तरह से इफेक्टिव है, जैसा कि आपको ASICS के जेल निंबस 25 में देखने को मिलता है। सिमिलर परफॉर्मेंस आपको इस रनिंग शूज़ के अंदर देखने को मिलता है, हालांकि उसमें स्टैक हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसमें सी कम है, बट उतना आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक परफॉर्मेंस वाइज इसकी बात है, तो ये काफी अच्छा रनिंग शूज हो सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर मैं बात करूं इसकी कुशनिंग की, तो एक प्लस कुशनिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, कंफर्टेबिलिटी काफी अच्छी है। जब आप जंप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तभी भी आपको यहां पर बिल्कुल भी यहां पर शॉक का एहसास नहीं होता, पूरी तरह से शॉक को एब्जॉर्ब करता है। यहां पर मैं कोई भी चीज हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जो चीज सच है वो आपको बता रहा हूं। तो ये जो रनिंग शूज है, ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए, अगर आप यहां पर थोड़े से हैवी हैं या फिर आपको ऐसा रनिंग शूज चाहिए जो आपको प्लस कुशनिंग दे, आपको काफी अच्छी कंफर्टेबिलिटी दे, तो ASICS का जेल क्यूमलस 25 एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए इस प्राइस रेंज के अंदर। भाई दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पे ASICS जेल क्यूमलस 25 के यहां पे कंफर्टेबिलिटी की, तो जैसा मैंने आपको बताया
कि ये जो रनिंग शूज है ये कंफर्टेबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो टो बॉक्स वाइडर है, सच आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा जब भी आप इसे पहनेंगे। अगर आपके फीट वाइडर हैं तो भी आपको आसानी से रनिंग शूज काफी अच्छा कंफर्ट देगा। साथ ही साथ इसके हील में आपको अच्छी खासी पैडिंग देखने को मिल जाती है, इसके अपर में आपको अच्छी खासी पैडिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसका कंफर्ट है काफी अच्छा है। साथ ही साथ इसकी जो कुशनिंग है काफी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपको प्लस कुशनिंग मिलती है। जब भी आप जंप करते हैं या वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो जो भी शॉक होता है उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब करता है। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है और मुझे परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी लगी है, कंफर्टेबिलिटी इसकी काफी अच्छी लगी है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं एसिक्स जेल निंबस 25 से तो भी मैं यहां पे कहूंगा कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये अभी अवेलेबल है तो ये काफी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। हालांकि एसिक्स जेल निंबस थोड़ा सा हैवी है एज कंपेयर टू दिस रनिंग शूज। वहीं अगर इस रनिंग शूज के यहां पे वेट की बात करते हैं तो 262 ग्राम इसका वेट निकल के आता है जो मैंने मेजर किया, और जिसकी वजह से काफी लाइट वेट है वो है इसका मिडसोल, एफएफ ब्लास्ट मिडसोल का यूज किया गया है। साथ साथ जो जेल टेक्नोलॉजी है वो इसको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें जो इसका अपर है वो भी लाइट वेट है, साथ साथ जो इसका मिडसोल है वो भी लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसका जो वेट निकल के आता है 262 ग्राम है। और ये जो रनिंग शूज है आपको जब आप पहनेंगे इसे, जब आप इसे पहन के रनिंग करेंगे या जंप करेंगे तो आपको काफी लाइट वेट फील होने वाला है। और रनिंग के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किसी भी रनिंग शूज का लाइट वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी वजह से जो रनिंग शूज है काफी लाइट वेट है, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में काफी हेल्प कर सकता है। वही दोस्तों बात करते हैं इस रनिंग शूज के यहाँ पे आउटसोल की। तो जहां तक बात करते हैं इस रनिंग शूज के आउटसोल की, तो इसमें आपको एसिक्स का आर प्लस आउटसोल देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से एब्रेसिव रेजिस्टेंस है, मतलब कि घिसता नहीं है और काफी लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबिलिटी इसके आउटसोल की काफी अच्छी है। वहीं ग्रिप एंड ट्रैक्शन की बात कर लें तो हर एक सर्फेस पे आप इसे पहन के रनिंग कर सकते हैं, आपको एज सच बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि जो इसकी आउटसोल है उसका जो ग्रिप एंड ट्रैक्शन है वो उस लेवल का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो आउटसोल है वो एब्रेसिव रेजिस्टेंस है और जो ग्रिप एंड ट्रैक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ही चाहते हैं कि बहुत ही यहाँ पे आपको 101% ग्रिप एंड ट्रैक्शन मिले तो उस टाइप की ग्रिप एंड ट्रैक्शन आपको एब्रेसिव रेजिस्टेंस में नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है इसके ग्रिप एंड ट्रैक्शन की तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप यहाँ पे रोड पर रनिंग करते हैं, ग्राउंड पर रनिंग करते हैं या फिर आप इवन थोड़ा बहुत स्लिपरी सर्फेस पर भी रनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप ट्रैक्शन मिल जाएगी। साथ साथ इसका जो आउटसोल की ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो एज सच ये पूरी तरह से आपको एक पैकेज मिल जाता है इस रनिंग शूज के अंदर, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है, ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी काफी अच्छी मिलती है, कंफर्टेबिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस रनिंग शूज के अंदर जो आउटसोल है वो भी काफी ड्यूरेबल है। तो जहां तक बात आती है इस रनिंग शूज के ओवरऑल यहां पे लुक की, तो लुक वाइज ये रनिंग शूज काफी स्टाइलिश लगता है। और अगर आप यहां पे इसे कैजुअल वियर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कैजुअल भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आप यहां पे कॉलेज जाना चाहते हैं इसे पहन के तो भी काफी प्रीमियम लुक देगा आपको। साथ ही साथ अगर आप इसे पहन के ट्रेनिंग करना चाहते हैं डेली तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। रनिंग करना चाहते हैं ऑल डे रनिंग कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। वॉकिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट है। तो जो लोग यहाँ पे हैवी वेट है या फिर जो लोग यहाँ पे प्लस कुशनिंग चाहते हैं या जो लोग यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रनिंग शूज आपके लिए काफी परफेक्ट चॉइस हो सकती है। वही दोस्तों अगर बात करते हैं इस रनिंग शूज के प्राइस टू वैल्यू की, तो जिस प्राइस रेंज के अंदर अभी ये मिल रहा है अराउंड 9000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है मैक्स ऑफिशियली जो प्राइस रेंज है अभी इसका। और अगर डिस्काउंट आता है तो आपको 7000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। और जो ये रनिंग शूज है जिस प्राइस रेंज के अंदर अभी ये मिल रहा है तो एक काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। हालांकि बाद में आपको क्या पता आउट ऑफ स्टॉक मिले, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छी डील आपके लिए हो सकती है। अगर आप यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस वाला रनिंग शूज देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबिलिटी वाला रनिंग शूज देख रहे हैं, डेली यहाँ पे आपको रनिंग करनी है तो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है और मेरे हिसाब से ये एक प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर मुझे इस रनिंग शूज़ के लिए जाना होता तो मैं परफेक्टली इस रनिंग शूज़ के लिए जाता, क्योंकि जहाँ तक बात आती है कुशनिंग की तो काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इसमें जो कंफर्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, ऐसा आपको इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। आप कह सकते हैं कि अगर आप एसिक्स जेल निंबस 25 के लिए नहीं जाना चाहते तो इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि आपको कम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेरी तरफ से इस रनिंग शूज़ को पूरी तरह से थम्स अप है। और अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहां पे एसिक्स जेल क्यूमुलस 25 को कवर किया। आशा करता हूं कि जो मेरा ऑथेंटिक ओपिनियन था आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना बोलना। और साथ ही साथ मुझे जरूर बताना कि आपको क्या इस पे
कंपैरिजन वीडियो चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे मैं इस पर कंपैरिजन वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कंपैरिजन वीडियो के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन वीडियो भी लेके आऊंगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।